नमस्कार, पंजाब KC.com देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुज यादव। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जो कि काफी चर्चा में भी है, भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं। एक तरफ कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं तो दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा अपने सफर पर है। इस बीच लगातार कांग्रेस विरोध का सामना कर रही है क्योंकि कांग्रेस एक तरह से चुनाव से गायब है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी लगातार कांग्रेस पर हमला करती रही। कांग्रेस पार्टी को लेकर बार बार कहा गया कि कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव नहीं लड़ रही। चुनाव गुजरात का हो या फिर दिल्ली का, हर चुनाव में कांग्रेस के नेता गायब रहे। इस बीच माना जा रहा था कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा से ही चुनाव का प्रचार भी कर लेगी, इसलिए अलग से कांग्रेस प्रचार में दमखम नहीं लगा रही है, लेकिन एग्जिट पोल कुछ और कह रही है। बता दें, गुजरात में बीजेपी सातवीं बार सरकार बनाती नजर आ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो केजरीवाल भी यहां जीत को लेकर पूरा दावा कर रहे हैं। केजरीवाल ने तो बीते दिनों नतीजे आने से पहले ही लिखकर कह दिया कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। हिमाचल में भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। इसके साथ ही दिल्ली के NCD चुनाव में केजरीवाल की सरकार बन रही है। TV चैनलों पर एग्जिट पोल पर दावा किया जा रहा है कि सरकार बनने का पूरा दावा किया जा रहा है, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी की जीत को लेकर कोई आंकड़ा सामने नहीं आ रहा है। गुजरात चुनाव में राहुल गांधी अंतिम समय में रैलियां करने पहुंचे थे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। बीते दिनों कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी गुजरात पहुंचे, लेकिन किसी तरह का कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा। हिमाचल के एग्जिट पोल में भी कांग्रेस को खास फायदा नहीं मिल रहा। इसके बाद NCD में भी कांग्रेस तीसरे नंबर पर है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस सिर्फ 5 से 7 वार्ड पर जीत दर्ज कर सकती है। बहरहाल चुनाव के नतीजों में भी कांग्रेस असफल होती नजर आ रही है। तो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी पर असफलता को लेकर लगातार सवाल उठना लाजमी है। तमाम अपडेट्स को देखने के लिए, तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com।